हेलो, वेलकम इन एके स्टडी 1024। मैं हूं अरुण कुमार यादव और ये है क्लास 8th की एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन में हमें एक ट्रेपीजियम गिवन है जिसका एरिया हमें बताया गया है 34 सेंटीमीटर स्क्वायर, और जो इसकी दो पैरेलल साइड होती हैं उनमें से एक साइड हमें बताई गई है 10 सेंटीमीटर और इनके बीच की जो हाइट है वो है 4 सेंटीमीटर, और जो दूसरी साइड है वो हमें बतानी है। ठीक है, तो अगर मैं आपको डायग्राम से समझाऊँ ये क्वेश्चन, तो देखिए मान लीजिए हमारे पास ये एक ट्रेपीजियम है, जिस ट्रेपीजियम की इस क्वेश्चन में बात की गई है, इसका एरिया है 34 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो इसकी दो पैरेलल साइड है उनमें से हमें एक दी हुई है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मैं मान लेता हूँ कि ये 10 है। ठीक है, ये है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, जो 10 है उसको मैंने नाम दे दिया ए, और जो हमें नहीं पता यानी कि जो उसकी दूसरी साइड है जो कि इसके पैरेलल है उसको मैं बोल देता हूँ बी। ठीक है, और इनके बीच की जो हाइट है वो हमें बताई गई है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम बी कैसे निकालेंगे, देखिए एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड यानी कि ए प्लस बी इंटू में उनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी हाइट, और ये एरिया ऑफ ट्रेपीजियम की जगह मैंने इसका फॉर्मूला लिख दिया, और 34 इसका एरिया हमें गिवन था तो इसके नीचे मैंने 34 ही लिख दिया, 34 के नीचे। ठीक है, तो यहां पर आप देखिए 1/2 तो 1/2 ही रहेगा, ए की वैल्यू कितनी है 10, प्लस में जो दूसरी साइड हमें नहीं पता उसको हमने क्या माना है बी, इनटू में एच, एच कितना है, एच है 4, बराबर में कितना आ जाएगा 34। तो यहां से अब देखिए 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 10 प्लस बी इनटू में क्या बचा हुआ है, इनटू में बचा हुआ है 2, 2 2 जा 4, यहाँ पे 2 आएगा, बराबर कितना आया 34। तो यहां से 10 प्लस बी की वैल्यू क्या आएगी 34, ये 2 कैसे है मल्टीप्लाई में तो इधर कैसे जाएगा डिवाइड में। ठीक है, तो 2 से आप इसको काटोगे तो कितना आएगा 2 1 जा 2, 3 में से 2 गया तो 1 बचा, 1 के आगे 4 14 यानी 2 7 जा 14, तो 10 प्लस बी की वैल्यू जो आएगी, 10 प्लस बी की वैल्यू आएगी वो कितनी होगी 17 सेंटीमीटर्स। तो बी की वैल्यू कितनी आएगी 17, 10 इधर जाएगा माइनस में, -10 यानी कि 7 सेंटीमीटर, तो वो साइड जो हमें नहीं पता थी वो कितनी होगी 7 सेंटीमीटर्स। ठीक है, तो आप आगे लिख सकते हो कि जो अनदर साइड थी वो 7 सेंटीमीटर होगी। तो इस क्वेश्चन में इतना ही, आपको ये वीडियो कैसी लगी है मुझे कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर करें एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।